भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज 2-2 से 4 मैचों के बाद बराबर थी। आखिरी मैच फाइनल मुकाबला था, जिसे वेस्ट इंडीज की टीम ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 165 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने 18 ओवर में ही 171 रन बनाकर के जीत हासिल कर ली। टीम ने 12 गेंद बाकी रहते हुए 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। भारत के लिए जहां सूर्य कुमार यादव ने 61 रन की पारी खेली, तो वहीं वेस्ट इंडीज के लिए ब्रेंडन किंग ने 85 रन आबाद और निकोलस पूरन ने 47 रन बनाकर की टीम को जीत दिलाई। लेकिन इन सभी के बीच बात अगर भारतीय बल्लेबाजी की करें तो भारतीय बल्लेबाज में शुभमन गिल को अपने एक गलत फैसले का काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्जित सिंह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार जैसे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए और इस दौरान शुभमन गिल भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि शुभमन गिल जब पवेलियन लौटे तब देखा गया कि शुभमन गिल नॉट आउट थे। अब बात करें उनके विकेट की तो अकील हुसैन गेंदबाजी कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल को गेंद डाली। दरअसल शुभमन गिल के पैड पर वो गेंद लगी। गेंदबाज और साथ ही फील्डिंग टीम ने अपील की कि ये आउट है। अंपायर ने उंगलियां उठाई। इसके बाद शुभमन गिल ने सूर्य कुमार यादव से पूछा कि क्या ये वाकई आउट है या क्या ये बॉल जो है वो सीधी विकेट पर लगी है। इस पर सूर्य कुमार यादव ने हामी भरी और शुभमन गिल ने DRS नहीं लिया और वह पवेलियन लौट गए और 9 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जब थर्ड अंपायर ने देखा तो शुभमन गिल की जो गेंद थी वो विकेट के बाहर थी और शुभमन गिल नॉट आउट थे। यानी कि सूर्य कुमार यादव की एक चूक और साथ ही शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच इस गलती ने शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया। आपको ये भी बता दें कि शुभमन गिल ने चौथे T20 मुकाबले में भारत के लिए एक शानदार पारी खेल करके टीम को जीत दिलाई थी और ऐसे में वह 5वें मुकाबले में केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल के लिए पूरी सीरीज ही काफ़ी ज़्यादा खराब रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब ताज़ा अपडेट और जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।